अच्छा मुझे सबसे पहले तो कमेंट करके ये बताओ, ये सॉफ्टी किस किस ने खाई है बचपन में। मतलब हमने तो यार बहुत खाई है। मतलब ठेले वाले भैया आते थे और उनके यहाँ से मैं तो हमेशा ये सॉफ्टी लेती थी और बड़ा मज़ा आता था। पता है कैसे खाती थी, अंदर की आइसक्रीम को पहले निकाल के खा जाओ और फिर लास्ट तक ना ये सॉफ्टी है ना एकदम ऐसे सौगी सी हो जाती थी। तो मेरे को पता नहीं क्यों बड़ी अच्छी लगती थी। मतलब मेरे को अभी भी अच्छी लगती है। जैसे कोन वगैरह लेके आते ना तो पहले उसकी मैं आइसक्रीम खा लेती हूँ सारी, अंदर तक सारी ख़त्म करके, और फिर बाद में उस कोन को खाती हूँ। पता नहीं यार ऐसी अजीब सी आदत मतलब मेरी है या फिर आप किसी और की भी, मुझे कमेंट करके बताना। मतलब बड़ी अजीब सी आदत है, पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा सौगी करके ना बड़ा मज़ा आता है खाने में। तो मैं वैसे ही खाती हूँ बचपन से अभी तक भी, मैं वैसे ही आइसक्रीम खाती हूँ। ये कोन वाली और ये सॉफ्टी वगैरह, सॉफ्टी तो अभी पता नहीं कहाँ मिलती है, कोन ही मिलते हैं, तो वो तो मैं अभी भी ऐसे ही खाती हूँ। ठीक है, तो यहाँ ना आज बनाएंगे, मतलब थोड़ी बचपन की यादें ताज़ा करते हैं आज। आज ना सॉफ्टी को थोड़ा सा और मतलब ऐसे चॉकलेटी टाइप से और बहुत अच्छा सा बना के देखते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ क्या करा, दो ये कोन ले लिए, ये मैं खाली मंगवाई मैंने भाई से, खाली सॉफ्टी। ठीक है, फिर इसको मैंने ना डार्क चॉकलेट मेल्ट करके उसमें डिप कर दिया। ठीक है, इसको आप ना सॉफ्टी के साथ ना बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी कर सकते हो। मतलब आप मुझे कमेंट करके बताना कि मेरे को ऐसा कुछ आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए था, अलग अलग तरीके से, मतलब कमेंट करके बताना तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। ठीक है, तो यहाँ मैंने डार्क चॉकलेट मेल्ट कर ली और उसमें उसको डिप कर दो। आप चाहो तो पूरा भी अच्छे से कवर करके भी डिप कर सकते हो, पर मैं वैसा नहीं करी क्योंकि यार थोड़ा सा मतलब दिखना चाहिए कि क्या हमने क्या मतलब ऐसे तड़का वड़का दे के बनाया है नॉर्मल सी सॉफ्टी को, तो इस वजह से आप चाहो तो पूरा कर भी सकते हो। ठीक है, फिर मैंने इसको थोड़ी देर सॉफ्टी को ना फ्रीज़र में रख दिया सेट होने के लिए। इसके बाद चॉकलेट सेट हो गई ना, फिर उसके अंदर आइसक्रीम भर लो। मेरे पास यहाँ वनीला है, आपके पास चॉकलेट हो ना तो चॉकलेट भर लेना और वो और भी ज़्यादा अच्छी लगेगी। ठीक है, वनीला डाल दी मैंने अच्छे से। अब मैं चॉको चिप डालना भूल गई, वनीला में ना चॉको चिप डाल के फिर डालना तो क्रंची और भी मज़ा आएगा। ठीक है, फिर ऊपर से जो डार्क चॉकलेट मेल्ट करी थी ना उसकी एक लेयर मतलब डाल दो, ऊपर से पोर करोगे ना जैसे ही, तो चॉकलेट वो आइसक्रीम ना ठंडी है ना तो डालती ना ऐसे थिक सी लेयर बन जाएगी और जम जाएगी। और थोड़ी सी देर ना फ्रीज़र में ऐसे खोल के फ्रीज़र को दोनों पकड़ के रख लो तो थोड़ा और अच्छे से सेट हो जाएगी। इसके बाद यार मस्त इंजॉय करो, बड़ी टेस्टी बनती है। मतलब क्या कहूँ इसको, क्या कहना पड़ेगा, क्या टेस्टी है। ये आज मैं टेस्ट नहीं करके बताऊंगी भाई, आज से नवरात्र स्टार्ट है, आज मेरा फास्ट है। तो ये मेरी कज़न है, इससे मैंने शूट करवाया था तो हेल्प ली थी मतलब, तो वो टेस्ट कर रही है। बाप यार क्या बोलना पड़ेगा क्या कि यार ये अच्छी है, बहुत टेस्टी थी, ट्राई करना। और हाँ, आज की वीडियो की शॉर्ट आउट सुहानी को जाता है। अगर आपको भी शॉर्ट आउट चाहिए तो वीडियो को लाइक कर दो और कॉमेंट कर दो, थम्स अप और शेयर कर दो वीडियो को, जिसको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है।